इन्फोसिस के बारे में सवाल है। इन्फोसिस में क्या करें ये जानना है मनीष जिवानी जी को, जिवनानी जी को। तो ज़्यादा डिटेल इन्होंने बताया नहीं है, तो एक जेनरिक इन्फॉर्मेशन की भाई, या एक जेनरिक सवाल की भाई, इस समय इन्फोसिस की दशा दिशा क्या लग रही है रिजल्ट के बाद। मतलब एक मार्केट का रिएक्शन हमारे सामने ठीक ठाक आ चुका है, एक बड़ा इवेंट भी निकल चुका है, यहाँ से आगे क्या दिख रहा है। ये ऑल टाइम हाई जो है ना, उसके आसपास तो थियोरेटिकली आ जाएगा, बिकॉज इतना इसके पास इंसेंटिव्स है। अब उसके बाद डिपेंड करता है कि क्या बुयंसी है फर्दर या नहीं है। तो मुझे लगता है 1900-2000 वाले रेंज में तो एक बार पहुंचेगा, और फिर वहां से कंसॉलिडेट ही करेगा, बिकॉज ये स्ट्रक्चर थोड़ा सा कंसॉलिडेशन का होता है। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा राजीव जी, ये सब कुछ बहुत बड़े मूवमेंट की निशानी होती है लॉन्ग टर्म के लिए। तो ये हो सकता है कि यहाँ से क्वार्टर, 2 क्वार्टर, 3 क्वार्टर ऐसे स्ट्रगल करता रहे और कुछ अलग क्लैरिटी आए, या फिर वैल्यूएशन नॉर्मलाइजेशन हो तो फिर इसमें अलग चाल बने। फिलहाल तो यही लग रहा है कि इसका ये जो ब्रेकआउट है ऑल टाइम हाई रिटेस्ट करने के लिए इनफ है, और फिर उसके बाद इवेल्युएट किया जाएगा। और अभी के हिसाब से ये भी लग रहा है कि सपोर्ट जो प्लेस्ड है वो क्लोजर टू 1700 है। तो 1700 के ऊपर ये बाय एट डिप्स का कैंडिडेट बनता है, देख के तो यही कह सकते हैं। जी, 1700 के आसपास सपोर्ट बनता है, लेकिन इसके अंदर जो ये बहुत बड़ी वाली कटोरी बन रही है, वो कटोरी बनाने में ये 2.5 साल का समय खर्च कर चुका है। 2.5 साल के बड़े कंसोलिडेशन के बाद अगर ये उसके भी आगे निकलता है, तो उसके लिए ट्रिगर किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, और वो ट्रिगर कैसा होगा जो इसको आगे यहाँ से किसी बड़े, मतलब जिसका आप इशारा कर रहे हैं कि भाई इस तरह के स्ट्रक्चर जब भी बनते हैं तो वो कोई आगे बहुत बड़ी चाल देते हैं, तो जब इस तरह के स्ट्रक्चर से निकलेगा तो कहाँ जाएगा। ये ऐसा कंसोलिडेशन है ना कि 2.5 साल नहीं, ये 4 साल तक का इस तरह का कंसोलिडेशन चलता है, डिपेंडिंग अपॉन नहीं, क्या अब आप डरा वैल्यूएशन। रहे हैं कि 1 साल निकले, 1.5 साल और इसी चक्कर घिनने में घूमता रहेगा क्या। घूम सकता है, कह रहा हूँ वही मैं लॉजिक समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, डिसीजन इंपैक्ट नहीं कर रहा, लॉजिक समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। कि देखिए क्या है कि अभी चूंकि नैस्टैक से हम फॉलो अप लेते हैं, तो उसके फॉलो अप में हम बढ़ तो रहे हैं, अदरवाइज हमारे पास, हमारे मार्केट में हमारे आईटी इंडिसेस को बढ़ने का कोई रीजन था ही नहीं। उसके अगेंस्ट हम बढ़ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वैल्यूएशन तकलीफ देता है। तो अगर एक बारी हाई वैल्यू पे चीज आ गई ना, तो वो आने वाले समय में बहुत अंडर परफॉर्म करता है। आप कोटक बैंक को ही उठा के देख लीजिए ना, वही सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमको मिल जाएगा, एशियन पेंट को उठा के देख लीजिए। इसलिए ये कंसोलिडेशन, अगर वैल्यूएशन ठीक रहता फिर तो बात करने की जरूरत ही नहीं थी कि 4 साल का भी हो सकता है। जो मल्टीपल्स हैं, ये मल्टीपल्स पे कंसोलिडेशन चल सकता है, तो क्या चलेगा कोई जरूरी नहीं है। जैसा इंफोसिस ने अभी रिजल्ट दिया, जो गाइडेंस बढ़ा रहे हैं, अब अगर ऐसा गाइडेंस बढ़ाएंगे तो फिर ब्रेकआउट हो जाएगा, फिर ऊपर चलेंगे। और वैसे भी लार्ज कैप ही ज़्यादा सेफ है आईटी में, सेलेक्ट लार्ज कैप ही ज़्यादा सेफ है आईटी में, तो ऐसा नहीं है, ब्रेकआउट हो सकता है। तो अभी जैसा रिजल्ट आया, वैसा रिजल्ट अगर लाके लाना शुरू कर दे हर क्वार्टर में, तो क्यों नहीं, पूरा का पूरा रिकवरी हो जाएगा। जी, लेकिन वो बात रह गई कि भाई अगर ब्रेकआउट होता है, मतलब जिसमें आप ऑल टाइम हाई के ऊपर के लेवल्स देखेंगे, मान लीजिए 2000 के ऊपर निकलता है, तो 2000 के ऊपर क्या। नहीं, मेरा मेरा जो मेथड है ना राजीव जी, इस स्ट्रक्चर में ब्रेकआउट इज नॉट दी राइट वे टू ट्रेड और खरीदने के लिए। ये क्लीन ब्रेकआउट वाला नहीं है, ये ब्रेकआउट करके थ्रोबैक वाली चीज होती है। इसलिए आपको इसको ओवरऑल स्ट्रक्चर को पॉजिटिव लेके जाना पड़ेगा, और अपने लोअर लेवल्स को डिफाइन कर देना पड़ेगा कि इसके नीचे मैं बाहर और बने रहना चाहिए। अब वो 6 महीना बने रहना है कि 2 साल, भगवान जाने। लेकिन इसमें ब्रेकआउट ट्रेड आपका सक्सेस रेट मेरे हिसाब से 30% भी नहीं होगा, अगर ब्रेकआउट ट्रेड करने जाएंगे तो। हाँ, 30% नहीं होगा, मैं पोजिशनल के हिसाब से कह रहा हूँ। अब हो सकता है कोई 1-2 दिन का ब्रेकआउट ट्रेड करके तो तुरंत ट्रेड करके निकल आया, भाई मेरा 100% सक्सेस रेट है, वो अलग बात है, वहां पे मैं झगड़ा करने नहीं जाऊंगा। लेकिन ये स्ट्रक्चर में ये गैप है, ओके, ये गैप शुरू हुआ है आपका कहाँ से,
ये गैप शुरू हुआ है 1765 से। जब तक ये गैप फिल नहीं हो जाता है तब तक आप इसको ब्रेकआउट केस मान के चलिए, और जो भी हाई मिलता है उसको दोनों हाथों से स्वागत कीजिए। 1765 के नीचे ये करेक्शन कंसोलिडेशन में जाएगा, हो सकता है 1700 पे ही रुक जाए, हो सकता है उसके नीचे भी जाए, लेकिन थियोरेटिकली इन सब स्ट्रक्चर्स में होता यह है कि एक नीचे का सपोर्ट ले लीजिए और ऊपर के लेवल का इंतजार कीजिए। 1700 आज के हिसाब से तो बनता है। जी चलिए, तो इन्फोसिस में क्या करें, तो इसके लिए हर तरह की सिचुएशन जो बन सकती है उसको आपके सामने रखा गया, उसके हिसाब से करना क्या है वो अंततः खुद आपको अपने स्तर पर तय करना है। और जब भी आप ऐसा कोई निर्णय लें तो उसमें इस बातचीत को एक इनपुट की तरह से देखें, और उस इनपुट के आगे अपना रिसर्च करें, अपनी खोजबीन, अपनी पढ़ाई लिखाई करें, और उसके बाद एक इन्फॉर्म डिसीजन ले। ये आपके लिए निर्णय लेने का बढ़िया तरीका होगा, अच्छा तरीका होगा। जरूरी लगे तो उसमें आपको एक प्रोफेशनल एडवाइस अपने स्तर पे लेनी चाहिए, जो आप किसी निवेश सलाहकार के पास जाएं, खुद उनके साथ बैठें, उनसे समझें, उसके आधार पे आप काम करें।